तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉट 45। इनकी वैल्यू को पुट करके हमने फाइंड आउट करनी है कि ये इक्वल टू कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। तो ये चार्ट साथ में ही बना देना, जहाँ पे भी आप मैथ करना शुरू करेंगे। साइन 30 होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद देखना टेन 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3। उसके बाद देखेंगे आप कॉट 45, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास 1। सेक 30 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी, इसके लिए अलग से टेबल मिलता है, या फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स में देख सकते हैं, पीछे चार्ट में पूरी की पूरी वैल्यू दी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 30, साइन 30 की होगी 1/2। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होगी 1, 1/2 प्लस 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन माइनस कर दिया तो माइनस, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी कोसेक 60 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 2/√3, 2/√3। तो अपॉन है, यहाँ पे साइन लगा लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट होगी सेक 30, तो सेक 30 होगी 2/√3, 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पे आप कॉस 60 है 1/2, 1/2 प्लस कॉट 45 1 प्लस 1। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहीं से अगली साइड कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारे पास स्पेस और हो। तो नेक्स्ट जो आएगा स्टेप, अब देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। तो देखिए ये अंडर रूट जो वैल्यू है इसको अलग रहने देते हैं अभी, तो इन दो को सॉल्व करेंगे फिलहाल। तो क्या आ जाएगा इसमें, एलसीएम आ जाएगा 2, 1/2 कुछ नहीं है तो मतलब 1/1 ही होगा, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और 1/2 तो रफ वर्क जो है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना आ गया हमारा 2, इन दो का तो 2 से 2 कटोगे 1, 1 × 1 1 हो गया 1। बीच में देखिए प्लस का साइन है तो प्लस 1/1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 1/1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम है हमारे पास 2, 2 × 1 2, तो प्लस आ गया 2। देखिए हो गया हमारा यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो है साइन माइनस का है, माइनस 2/√3, तो ये वैल्यू सेम रहेगी ओवर अपॉन। तो यहाँ पे भी हम 2/√3 को सेम रहने देंगे, और प्लस यहाँ भी देखिए सेम है 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/1 कर दिया हमने यहाँ पे, 1/1 कुछ नहीं है तो मतलब हम 1/1 कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा तो सेम ही आ जाएगी इसकी वैल्यू भी, 1 प्लस 2/2। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3/2, बीच में साइन माइनस का होगा 2/√3। तो ओवर में देखिए क्या आ जाएगा, 2/√3
थ्री जो ये वैल्यू है, प्लस 2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट यही करेंगे हम। देखिए अब इन दो का एलसीएम नेक्स्ट जो हम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम देखिए यही आ जाएगा 2√3। 2√3 एलसीएम आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 3/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आ गया हमारे पास 2√3। तो 2 से 2 कट हो गया, 3√3 बच गया। तो इसको यहीं लिख देंगे 3√3, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा जो यहाँ पे। तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम है हमारे पास 2√3। तो 3 से 3 √ और क्या, 2 2 = 4, तो हमारे पास आ गया -4। तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब नीचे वाली देखिए, इसका एलसीएम भी सेम ही होगा 2√3। तो एलसीएम इसका सबसे पहले हम नीचे लिख देंगे 2√3। अब सेम ही मेथड यूज होगा, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 2√3। तो 3 से 3 कट हो गया, 2 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया 4 sin है प्लस का। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम है हमारे पास 2√3, 2 से 2 कट हो गया, 3√3, 3√3। तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है मैथ। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ए बी सी डी वही फॉर्मूला, ये जो मल्टीप्लाई होगा ये इन टू में चला जाएगा यहाँ पे, और जो है ये आ जाएगा इसके ऑपोजिट में ऊपर जाके, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ए बी सी डी वाला, ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी। तो ये ऊपर चला जाता था इन टू डी और इन टू सी। तो यही फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या आ जाएगा। तो 3√3 जो ये है हमारे पास वैल्यू, इसको हम सेम रहने देंगे, 3√3 -4 ओवर 2√3, 2√3 जो ये वाली वैल्यू, इसको सेम रहने देंगे मल्टीप्लाई। तो 2√3 जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, 2√3 जो है ऊपर चली गई वैल्यू। अब जो है 4 4+3√3 जो है नीचे आ गई। तो देखिए इससे ये वैल्यू कट होगी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√3 -4 ओवर 4। इसको आप आगे पीछे भी साइन चेंज कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 3√3 +4। आगे जाके इसमें जो है वैल्यू हमने बस चेंज कर दी, 3 + √3 को हमने यहाँ पे बस इनके जो साइड चेंज किए, साइन चेंज नहीं होगी इनके। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा, रेशनलाइज कर देंगे अब हम इनको। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 3√3 -4, सेम वैल्यू लिखी हमने ये वाली यहाँ पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे वाली वैल्यू है 3√3 +4 इनटू, अगर ये प्लस में है तो जो मल्टीप्लाई होगा वो साइन होगा माइनस का, 3√। तो रेशनलाइज कर रहे हैं हम इस तरह से, होगा रेशनलाइज -4
ओवर 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। तो अब देखिए इसमें फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपने देखा होगा फॉर्मूला, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला भी। ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। और जो सेकंड फॉर्मूला यूज होगा इसमें वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होगा इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखिए इन दो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन दो को हम जो है कॉमन लेंगे, तो 3√3, 3√3 माइनस 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर सेम है तो ए स्केयर आ जाएगा, माइनस बीच में साइन दोनों कॉमन है और 4 भी कॉमन है तो बी स्केयर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये दो वैल्यू और ये इसके इक्वल टू होगा। तो अब यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्केयर नहीं, यहाँ देखिए ए माइनस बी, ए सेम है माइनस बी, ठीक है सेम, और इसको फिर यहाँ एक्सपेंड कर दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर में। और इसका फॉर्मूला था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, या फिर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो इसी फॉर्मूले को अब हम आगे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे, तो ऊपर जो है हमने वैल्यू जो है कॉमन आ चुकी है हमारे पास, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वेयर ओवर नीचे वाली वैल्यू को जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3√3 का स्क्वेयर बीच में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर आ गया 3√3 का स्क्वेयर माइनस साइन बीच में आ जाएगा और बी स्क्वेयर आ जाएगा 4 का होल स्क्वेयर। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, अब इन दो को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम ए स्क्वेयर। तो देखिए क्या आप वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3√3 का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर है हमारे पास 4, तो प्लस 4 का स्क्वेयर माइनस 2, देखिए माइनस 2, ए हमारे पास 3√-2 इंटू ए हमारे पास 3√3 इंटू बी, बी है हमारे पास 4। तो ठीक है ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब इसको जो है अपॉन में हम वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो 3 3 9 इंटू √3 का स्क्वेयर रूट हटेगा तो इंटू 3 ही रह जाएगा, माइनस आ जाएगा 16। तो यहाँ तक ये मेथड हमारा सही हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो देखिए सेम ही है, 3 का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो सेम आ जाएगा 3 3 9, 9√3 का स्क्वेयर हो जाएगा 3, 9√3 प्लस 4 का जो है 16 आ जाएगा हमारे पास। तो माइनस साइन, तो जो माइनस है माइनस ही होगा, 2 4 3 12, 12 2 24, तो 24, तो √, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं √3 ओवर, देखिए 9 3 27,
27 माइनस 16। तो यहां तक देखिए आपको समझ आ चुका होगा मैथ। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है, 27 प्लस 16। देखिए यहाँ पे 9 3 27, 27 प्लस 16 हो गए 43। तो यहाँ लिख सकते हैं आप इससे आगे 43, फिर नेक्स्ट होगा माइनस 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3 ओवर 27 माइनस 16 हो गए 11। तो ये जो है हमारे पास लास्ट में आंसर आ चुका है इसका, किसका, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है।